नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। बांका जिला कचोरिया बाजार, चांदन बाजार सहित आसपास के इलाकों में इन दोनों चोरों ने आतंक मचा रखा है। ताजा मामला कचोरिया थाने से एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि बीते रात बुधवार को अज्ञात चोरों ने कचोरिया बाजार के सुइया कचोरिया मुख्य मार्ग स्थित रम्मा मार्केट अवस्थित प्रतिमा ज्वेलर्स दुकान के प्रोपराइटर गुड्डू कुमार पोदार पिता शंकर पोदार की दुकान में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए जेवर चुरा लेने की बात कही गई है। वहीं पीड़ित प्रोपराइटर गुड्डू कुमार और प्रीतम कुमार ग्राम छातापुरम निवासी ने बताया कि रोज की तरह बुधवार रात 9 बजे दुकान में ताला लगाकर घर चला गया था कि गुरुवार सुबह सूचना मिली कि दुकान में चोरी हो गई। सूचना पर दुकान पहुंचकर देखा कि दुकान का शटर का ताला तोड़कर दुकान में रखे शोकेस से लगभग 3 केजी लगभग चांदी की जेवर चोरी कर ली गई है। गलीमत रहा कि अलमारी नहीं तोड़ पाया, नहीं तो भारी नुकसान हो जाता। घटना को लेकर पीड़ित गुड्डू पोदार ने कचोरिया थाने में आवेदन देकर अज्ञात के विरुद्ध कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। इस वारदात की सूचना पर कचोरिया थाने के अवर निरीक्षक महेश झा के पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर चोरी की घटना को हर बिंदु पर जांच में जुट गई है। विदित हो कि कचोरिया बाजार में कुछ महीने पहले एक रात में 3 ज्वेलर्स दुकान की चोरी की वारदात कर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए नकदी जेवर चुरा कर कचोरिया पुलिस को खुली चुनौती दे डाली, जिसका आज तक कचोरिया पुलिस आरोपी तक पहुंचने में नाकाम रही। वही बुधवार 1 जून की रात सरे बाजार के बीच चोरी की इस घटना में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है, जिससे कचोरिया बाजार के व्यवसायियों में दहशत का आलम बना हुआ है। वही कचोरिया पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पीड़ित व्यवसायी को ही निशाना साधने में लगी है। अब देखना यह है कि किस तरह से घटना में पीड़ित व्यवसायी के साथ कचोरिया पुलिस किस प्रकार कार्रवाई करती है। ब्यूरो चीफ उमाकांत शाह की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी खबरों को देखने के लिए, ऐसी अपडेट को देखने के लिए हमारे साथ रोजाना बने रहे लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। धन्यवाद।